दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको ऐसे पांच तरह की इनकम बताएंगे जो इनकम टैक्स फ्री होती है, जिन पर बिल्कुल भी आपको इनकम टैक्स देना नहीं पड़ता है। लेकिन इसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई होते हैं और इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग ये टाइम टू टाइम चेंज होते रहता है। इसलिए आप जिस टाइम पर ये वीडियो देख रहे हैं उस टाइम पर के अपने इंडियन लॉ को कंसिडर जरूर कीजिए। दोस्तों, इनकम टैक्स किसी देश के फाइनेंशियल सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो इसके राजस्व में योगदान देता है और आर्थिक विनियमन के लिए एक टूल के तौर पर कार्य करता है। इंडिया में इनकम टैक्स एक्ट पर्संस और ऑर्गेनाइजेशन द्वारा अर्जित किया जाता है और इसे सरकार के द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है, जबकि कई प्रकार की इनकम जो है वो टैक्सेशन के अधीन है। वहीं कुछ कैटेगरीज ऐसी है जो टैक्स फ्री होती है। यहाँ पर हम आपको पांच ऐसे इनकम के बारे में बताएंगे जिन पर आपको बिल्कुल भी इनकम टैक्स देना ही नहीं पड़ता है। पहला है एग्रीकल्चर इनकम। दोस्तों, भारत में टैक्स फ्री इनकम का सबसे इम्पोर्टेंट है एग्रीकल्चर इनकम। दोस्तों, इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग कृषि कार्यों से प्राप्त इनकम टैक्सेशन से फ्री होता है। इसमें फसलों की खेती, पशुधन खेती और अन्य कृषि से प्राप्त प्रॉफिट शामिल है। हालांकि शहरी क्षेत्रों में स्थित कृषि भूमि से अर्जित इनकम को इस छूट का लाभ नहीं मिल सकता है। वहां पर कुछ टर्म्स को देखा जाता है। दूसरा है विरासत और गिफ्ट। दोस्तों, किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त गिफ्ट और विरासत आमतौर पर भारत में टैक्स फ्री होते हैं। रिश्तेदारों से गिफ्ट के रूप में या शादी जैसे खास अवसरों पर प्राप्त कोई भी धन या संपत्ति इनकम टैक्स से मुक्त है। इसी प्रकार किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त कोई भी विरासत टैक्सेशन के अधीन नहीं है। हालांकि एक लिमिट से ज़्यादा गैर रिश्तेदारों से मिला गिफ्ट भी आपको कानूनी पचड़ों में डाल सकता है। इसलिए इनकम टैक्स एक्ट के प्रावधानों के तहत ये टैक्सेबल तो हो सकता है, लेकिन आपको अधिक भी गिफ्ट नहीं लेना है। तीसरा है जीवन बीमा पॉलिसियों के से मिला हुआ इनकम। दोस्तों, मैच्योरिटी बेनिफिट और डेट बेनिफिट सहित जीवन बीमा पॉलिसी से प्राप्त इनकम इनकम टैक्स एक्ट की धारा 10D के तहत टैक्स फ्री है। ये 1 अप्रैल 2003 को या उसके बाद जारी की गई पॉलिसियों पर लागू होती है जहां पेमेंट किया गया प्रीमियम बीमा राशि के एक निश्चित प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। हालांकि इस टैक्स का लाभ बेनिफिट लेने के लिए एक्ट में लिखे सारे कंडीशंस का पालन करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। चौथा है स्कॉलरशिप और अवार्ड। दोस्तों, एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप या असाधारण उपलब्धियों के लिए अवार्ड के तौर पर प्राप्त इनकम इनकम टैक्स एक्ट की धारा 1016 के तहत इनकम टैक्स से फ्री है। ऐसी स्कॉलरशिप या अवार्ड पाने वाले छात्रों और व्यक्तियों को इन राशियों को अपनी टैक्सेबल इनकम में टैक्स शामिल नहीं किया जाता है। ये प्रावधान उन मेधावी व्यक्तियों के लिए टैक्स बेनिफिट प्रदान करके एजुकेशनल और कमर्शियल एक्सीलेंस को इनकरेज करता है। पांचवा है दोस्तों, प्रोविडेंट फंड और ग्रेजुटी। दोस्तों, मान्यता प्राप्त भविष्य निधि में योगदान, नियोक्ता और कर्मचारी दोनों का योगदान इनकम टैक्स एक्ट की धारा 10 के तहत टैक्स लाभ का आनंद लेते हैं। इसके अलावा रिटायरमेंट पर या डेथ पर या विकलांगता की स्थिति में कर्मचारियों द्वारा प्राप्त ग्रेजुटी पर भी कुछ कंडीशंस के अकॉर्डिंग इनकम टैक्स से उन्हें फ्री किया जाता है। इन प्रावधानों का मकसद व्यक्तियों को उनके रिटायरमेंट के टाइम के दौरान फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रदान करना होता है। इसलिए दोस्तों, ये पांच प्रकार के इनकम है जिन पर कोई भी इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता। पहला एग्रीकल्चर इनकम, दूसरा है गिफ्ट और विरासत, तीसरा है जीवन बीमा पॉलिसियों से इनकम, चौथा है स्कॉलरशिप और अवार्ड, और पांचवा है प्रोविडेंट फंड और ग्रेजुटी।